गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन गुरु पे। तो आज का जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे वो होगा इमेज फॉर्मेशन रूल्स ऑन स्फेरिकल मिरर और इमेज फॉर्मेशन ऑन कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, टॉपिक पे आते हैं। आज का जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इमेज फॉर्मेशन रूल। बेसिकली इमेज बनने के लिए आप देखिएगा तो दो रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पर मीट करेगा, ठीक है, जहाँ पर आपका मीट कर गया तो वहाँ पे आपका इमेज फॉर्मेशन होता है। तो वही हम लोग रूल आज सीखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन का कितने रूल होते हैं उसके बारे में भी बताएंगे। तो यहाँ पर इमेज बनने के लिए हम लोग चार रूल को फॉलो करना पड़ता है। फर्स्ट रूल जो है उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला रूल नंबर वन ये बोलता है कि सपोज़ कीजिए कोई आपका स्फेरिकल मिरर है, उससे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई कोई रे आपका आता है तो वो आपका फोकस से क्रॉस करेगा, ठीक है। कुछ इस टाइप का हम लोग पहले देख लेते हैं यहाँ पे कॉनकेव मिरर का। ये आपका हो गया प्रिंसिपल फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये जो लाइन आपका है ये है प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ पर जहाँ पर मिरर में अटैच हुआ वो हो गया आपका पोल। तो यहाँ पे रूल नंबर फर्स्ट ये बोलता है जब भी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो वो कहाँ से क्रॉस करेगा, फोकस से क्रॉस करेगा। डैट मीन्स इंसिडेंस रे ये हो गया और ये क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। रूल नंबर फर्स्ट ये बोलता है कि जब भी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, पैरेलल बोलने का मतलब जो डिस्टेंस यहाँ पर है वो सेम डिस्टेंस यहाँ पे भी होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। जब पैरेलल आएगा तो वो फोकस से क्रॉस करेगा, ठीक है। और अगर देखिएगा तो ये कॉनकेव मिरर का था, सेम होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर पे। इसका अगर देखिएगा तो जो आपका प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर कर्व के अंदर ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो गया प्रिंसिपल फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सेम रूल इसमें भी हम लोग अप्लाई करते हैं। अगर कोई रे ऑफ लाइट जो है ये आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, यहाँ पे आपका हो जाएगा पी, पी फॉर पोल। अगर कोई रे ऑफ लाइट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा, ठीक है, पैरेलल आता है तो वो चाहता क्या है कि प्रिंसिपल फोकस से क्रॉस करे, लेकिन यहाँ पर मिरर को वो क्रॉस नहीं कर पाता है, तो हम यहाँ पर से ऐसा मानते हैं कि ये इस तरफ रिफ्लेक्शन हुआ, तो ये इंसिडेंस रे था, ये था क्या, रिफ्लेक्टेड रे। अब इस केस में देखिएगा तो एक्चुअली वो फोकस से क्रॉस किया, लेकिन इस केस में हम लोग को अपीयर करना पड़ेगा, मानना पड़ता है कि ये फोकस से क्रॉस किया होगा। तो इस लाइन को अगर हम पीछे ड्रॉ करते हैं तो दिखता है क्या चीज़, कि जो रिफ्लेक्टेड रे था वो आपका प्रिंसिपल फोकस से क्रॉस किया, तो यहाँ पे एक्चुअल में क्रॉस किया, यहाँ पे अपीयर करते हैं, ठीक है। तो ये आपका था रूल नंबर फर्स्ट। अब हम लोग आते हैं रूल नंबर सेकंड पे। रूल नंबर सेकंड जो है रूल नंबर फर्स्ट का जस्ट उल्टा है, हम कन्वर्ज बोल सकते हैं, कि जैसे कि फर्स्ट रूल में हम लोग देखे थे पैरेलल आया था तो फोकस से क्रॉस किया था, ठीक है, और सेकंड जो रूल हम लोग का है उसमें क्या है कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट जो है वो आपका फोकस से आता है, ठीक है, फोकस से होते हुए क्रॉस करेगा तो वो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिटर्न हो जाएगा। मतलब इंसिडेंस रे मेरा ये हो गया और ये क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे, जस्ट अपोजिट ऑफ फर्स्ट रूल। उसमें क्या था, इंसिडेंस रे जो है पैरेलल आता है प्रिंसिपल एक्सिस से तो फोकस से क्रॉस करेगा, सेकंड रूल में क्या है, जब फोकस से आएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकलेगा। सेम यहां पर भी वही केस होगा, इंसिडेंस रे जो है आपका फोकस पे आने के लिए किया लेकिन वो मिरर को क्रॉस नहीं कर सकता, इसलिए क्या किया, उसका रिफ्लेक्शन हो गया, तो यहां से आपको रिफ्लेक्शन मिल गया, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा एक्चुअली में वो क्रॉस किया लेकिन यहां पे हम लोग अपीयर करवाते हैं कि वो फोकस से क्रॉस किया होगा। अब यहां पर देखिएगा
तो इस मिरर में हम लोग देखेंगे तो इसमें जो है रे ऑफ लाइट जो है वो कन्वर्जिंग मिरर है। ये क्या है? कन्वर्जिंग। ये क्या है? डाइवर्जिंग। क्योंकि जब रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रहा था तो वो इसको फैलाएगा। सपोज कीजिए ये आपके हर तरफ होगा, यहाँ पर भी अगर हम लाते हैं पैरेलल तो वो यहाँ से ऐसे कर रहा था। इसमें जितना भी रे ऑफ लाइट हम पैरेलल लाएंगे वो क्या होगा? फोकस से क्रॉस करेगा, फोकस से आपका क्रॉस करेगा। तो यहाँ पर जो जितना भी लाइट है वो फोकस पे ला के जमा कर रहा है, एक जगह एक सेंटर पे लाके उसको कन्वर्स कर दिया लाइट को। लेकिन ये लाइट को क्या करेगा? डाइवर्स करेगा। तो इसको हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं और इसको डाइवर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर कौन सा हो गया? कॉनकेव। ठीक है, कॉनकेव मिरर जो है कन्वर्जिंग हो गया और डाइवर्जिंग कौन सा हो गया? कॉन्वेक्स मिरर। तो रूल नंबर सेकंड भी क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं रूल नंबर थ्री पे। रूल नंबर थ्री में ये बोलता है कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस करेगा तो उसी पाथ पर वापस रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर से सपोज कीजिए कि कोई रे ऑफ लाइट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर आया, इंसिडेंस रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आया और मिरर पे जैसे ही स्ट्राइक किया तो वहां से ही आपका उसी पाथ पर रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है, सेम प्रोसेस हम लोग यहां पर भी अप्लाई करेंगे कि कोई रे ऑफ लाइट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आने का तो कोशिश किया लेकिन ये मिरर होने के कारण इसका रिफ्लेक्शन यहीं पर से हो जाता है। तो ये इंसिडेंस रे था और ये क्या हो गया? रिफ्लेक्टेड रे। अब यहाँ पर देखिएगा तो हम लोग को अपीयर करना पड़ेगा। यहाँ पे एक्चुअली में सी से क्रॉस किया लेकिन ये सी से क्रॉस नहीं कर पाएगा, तो हम यहाँ पर इसको क्या कर देते हैं? अपीयर करवा दिए। यहाँ पर क्या हुआ? अपीयर हुआ। ठीक है, तो इसका जो हम लोग अब तक जितना भी हम लोग कॉन्वेक्स का देखे हैं, कॉन्वेक्स का जो तीन केस अब तक हो चुका है तीनों में ये अपीयर कर रहा है, एक्चुअली में मीट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका था रूल नंबर थ्री। अगर वो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस करता है उसी पाथ से आपका रिफ्लेक्शन हो जाता है, मतलब उसी पाथ से रिफ्लेक्टेड रे रिटर्न कर जाएगा। दोनों में आपका इस टाइप से रूल फॉलो कर रहा है। अब चलते हैं हम लोग रूल नंबर फोर पे, जो कि इमेज फॉर्मेशन का लास्ट रूल है। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन होने का लास्ट रूल है। इसी में से दो हम नियम को फॉलो करते हुए इमेज फॉर्मेशन देख सकते हैं। जहां पे दो रिफ्लेक्टेड रे आपस में मीट कर गया वहां पे आपका क्या होगा? इमेज बनेगा। और उसके बेसिस पे हम लोग बताएंगे कि कौन सा इमेज रियल है और कौन सा वर्चुअल है। अब हम लोग आते हैं रूल नंबर फोर पे। ठीक है, रूल नंबर फोर में ये कहता है कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट पोल पे डायरेक्ट आके स्ट्राइक करता है मिरर पे तो वहीं से उसका रिफ्लेक्शन होगा, जो कि हम लोग पढ़े थे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, उस चीज़ को ये फॉलो करने वाला है। ठीक है, जब भी कोई रे ऑफ लाइट जो है आके आपका वो पोल पे आके स्ट्राइक करता है तो वहीं पर से उसका रिफ्लेक्शन होता है। और इस केस में जो आपका जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो बन जाता है, इस केस में नॉर्मल बनेगा। ठीक है, तो वहाँ से एंगल I इक्वल टू एंगल R हो जाएगा। ठीक है, ये आपका था इंसिडेंस रे और ये था क्या? रिफ्लेक्टेड रे। तो रूल नंबर फोर ये बोलता है। इसमें भी अगर देखिएगा तो ये आपका नॉर्मल लाइन की तरह बिहेव करेगा, लेकिन अभी है क्या चीज़? प्रिंसिपल एक्सिस है। जब भी कोई रे ऑफ लाइट जो है पोल पे आके स्ट्राइक करता है तो वहीं पर से उसका रिफ्लेक्शन होगा, डैट मीन्स एंगल आई हो जाएगा ये और ये हो जाएगा एंगल आर। और ये दोनों केस में देखिएगा, ये एंगल आई ये एंगल आर, तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, ये था मेरे पास चार रूल जो कि इमेज बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, इस चार रूल से हम लोग देखेंगे कॉनकेव मिरर में इमेज कैसे बनेगा और कॉन्वेक्स मिरर में इमेज कैसे बनेगा। तो आज हो गया हम लोग का फर्स्ट टॉपिक कवर हो गया, इमेज फॉर्मेशन रूल। चार रूल्स होते हैं, चारों रूल हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स कि यहाँ पर जो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का ले लिए हैं और इमेज बनने का रूल्स अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई नोटेशन नहीं है। यहाँ पर हम इमेज बनने का अगर देखेंगे तो एक इन्फिनिटी पर ले सकते हैं और
एक मिरर के पास मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई खास नोटेशन नहीं है। जो नोटेशन का पार्ट्स है वो एफ और पी आपका इस साइड है, जहाँ पे ऑब्जेक्ट को हम रख के इमेज नहीं बना सकते। लेकिन अगर यहाँ पर देखिएगा तो ऑब्जेक्ट एक बार इन्फिनिटी पे होगा, एक बार सी के बियॉन्ड होगा, एक होगा सी पर और सी एंड एफ के बीच में हो सकता है ऑब्जेक्ट, और एक एफ पे होगा और एफ एंड पी के बीच में होगा। तो यहाँ पर इमेज जो आपको छः टाइप का आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा। और इस केस में देखिएगा तो हम दो तरह का इमेज देखेंगे, एक होगा इन्फिनिटी पे और एक होगा मिरर के पास में। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हम लोग पॉइंट नोट करेंगे वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे। अगर मेरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो हम यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन का जो रूल था वहाँ पर से दो रूल्स को हम लोग फॉलो करेंगे, और उसके बाद हम लोग इमेज देखते हैं कहाँ पे बनता है। सबसे पहला रूल जो हम फॉलो करते हैं वो कर लेते हैं कि अगर कोई रे ऑफ लाइट जो है वो कहाँ से आ रहा है, इन्फिनिटी से आया, पोल पे स्ट्राइक किया और वो उसी तरह से होते हुए क्रॉस कर जाएगा, ये हो जाएगा इंसिडेंस रे और ये होगा रिफ्लेक्टेड रे। और दूसरा रूल हम लोग देख लेते हैं कि अगर कोई रे ऑफ लाइट जो है वो सेंटर से क्रॉस करेगा, मान लीजिए इन्फिनिटी से आ रहा है और वो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए क्रॉस करेगा तो उसी पाथ से इसका रिफ्लेक्शन होगा। तो हम यहाँ पर देखें क्या दो रिफ्लेक्टेड रे इस पॉइंट पर मीट किया, डैट मीन्स इमेज मेरा यहीं पर बनेगा और क्या होगा, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो वो आपका इमेज जो है कहाँ बन गया, फोकस पे बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा कि इमेज जो है आपका कहाँ बन रहा है, फोकस पे बन रहा है। अगर इन्फिनिटी से आता है तो वो कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। अब जो हम लोग हैं सेम रूल हम लोग यहाँ पर भी लगा के देखते हैं कि अगर कोई रे ऑफ लाइट जो है वो इन्फिनिटी से आ रहा है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस करने का कोशिश किया, लेकिन ये एक्चुअली क्रॉस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसका रिफ्लेक्शन यहीं पर से मिल जाएगा, तो हम इसको क्या करेंगे, अपीयर करवाते हैं कि हाँ ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस करने का कोशिश कर रहा था। दूसरा रूल जो हम लोग फॉलो करेंगे, कोई रे ऑफ लाइट जो है वो पोल पे आया इन्फिनिटी से, ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे, तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से जो है वो पोल से क्रॉस करने का कोशिश करेगा तो वो आपका इस टाइप से रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। ये आपका था इंसिडेंस रे और ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। तो हमको ऐसा कहीं पर नहीं लगा कि ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे कभी भी मीट करेगा, तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, अपीयर टू मीट, हमको यहाँ पर इसको अपीयर करना पड़ेगा। तो ये हम इसको इस टाइप से पीछे की ओर एक्सटेंड किए यहाँ पर से रिफ्लेक्टेड रे को, तो इस पॉइंट पे हम लोग को दिखा कि हाँ यहाँ पे क्या हो रहा है, इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, डैट मीन्स दो रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे मीट कर गया। तो हम यहाँ पे क्या किए, ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पर मिल गया। तो अब यहाँ पर देखिएगा नेचर के अगर बारे में बात की जाए तो जिस तरफ आपका ऑब्जेक्ट है उसी तरफ आपका इमेज मिलता है, तो वो होता है रियल, और रियल के साथ एक कॉम्बिनेशन है रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड बोलने का मतलब ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे कुछ इस टाइप का है और इमेज उसका उल्टा मिल रहा है। तो इसके नेचर के बारे में बात की जाए, नेचर के बारे में बात किया जाए तो ये क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज के बारे में बात की जाए तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट इमेज का अगर बात की जाए, और यहाँ पर जो नेचर होता है वो इमेज का ही नेचर होता है, तो ये हो जाएगा स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। इसमें अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपका देख सकते हैं कुछ इमेज, मान लीजिए ऑब्जेक्ट जो है ये साइज का है और इमेज हमको क्या मिल रहा है, छोटा मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसके अगर बात करते हैं ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे, सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है। और नेचर के बारे में बात की जाए
ये देखिए मिरर के पीछे बन रहा है, तो ये हो गया वर्चुअल। एंड ये क्या है, सीधा है, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा ही ये है, तो इसको बोलेंगे इरेक्ट। ये है क्या, सीधा। और साइज की बात करेंगे तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहां पर हम देख लिए नेचर, देख लिए कि ये आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। अगर हम सेकंड केस की बात की जाए तो यहां पे ऑब्जेक्ट कहां प्लेस कर रहे हैं, बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट कहां है, बियॉन्ड सी। ठीक है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहां पे है, बियॉन्ड सी। अगर हम ऑब्जेक्ट यहां पर लेते हैं तो अब देखते हैं इसका इमेज कहां पे बनता है, सी के थोड़ा सा पीछे है। तो वहां पर से हम इमेज का रूल लगाते हैं। यहां सपोज कीजिए कि कोई रे ऑफ लाइट जो है आपका पैरेलल आया, और वो कहां से क्रॉस करेगा, फोकस से क्रॉस करेगा। ठीक है, इंसिडेंस रे ये हो गया, ये क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे। दूसरा मान लेते हैं कि वो आपका मान लीजिए पोल पे आया और वहां से उसका रिफ्लेक्शन हुआ। ठीक है, तो हम देख लिए कि जो मेरा रिफ्लेक्टेड रे था वो कुछ यहाँ पे मीट किया। अब यहाँ पे मीट किया तो मतलब परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, हम यहाँ पर ऐसे कर दिए, तो ये क्या हो गया आपका, यहाँ पर इमेज बन गया। सेम केस अगर हम लोग यहाँ भी देखते हैं तो यहाँ पर कुछ इस टाइप का होगा, यहाँ पे एफ हो गया और यहाँ पे सी हो गया, और ये मेरा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। हम ऑब्जेक्ट को अब कहाँ प्लेस करेंगे, मिरर के कुछ पास में कर देते हैं। सपोज कर लीजिए हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को प्लेस किए और यहाँ पर से देखें कोई रे ऑफ लाइट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो आया लेकिन ये फोकस से क्रॉस नहीं कर सकता, तो ये क्या हुआ, इसका यहाँ पर से रिफ्लेक्शन हुआ। ये हो गया इंसिडेंस रे और ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। इसको हम अपीयर करवाते हैं कि ये कहाँ से क्रॉस कर रहा है, फोकस से क्रॉस कर रहा है। सेकंड रूल जो हम लोग लेते हैं, कि हम यहाँ से मान लेते हैं कि कोई रे ऑफ लाइट जो है वो कोशिश कर रहा है कि हम क्रॉस कर जाए कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हम देखें क्या चीज़, कि ऑब्जेक्ट का जो है दो रिफ्लेक्टिंग पॉइंट जो है, रिफ्लेक्टिंग रे जो है यहाँ पे मीट किया, और यहाँ पे जैसे ही मीट किया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, तो हमको यहाँ पर दिख गया इमेज, यहाँ पर मिला। अब इमेज के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर देखिएगा मिरर के इस तरफ मिला, ऑब्जेक्ट के तरफ अगर मिलता है मिरर में तो आपका वो होता है रियल इमेज, और ये उल्टा भी है। तो अगर इसके नेचर के बारे में बात की जाए तो आपका नेचर क्या हो जाएगा, नेचर के बारे में बात की जाए तो ये हो जाएगा आपका रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर साइज के बारे में बात की जाए तो अगेन यहां पर क्या हो जाएगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। जो इमेज का साइज होगा यहां पे वो आपका ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। सेम यहां पे देखते हैं तो नेचर के बारे में बात की जाए, नेचर पे आते हैं तो ये देखिएगा क्या चीज, मिरर के पीछे बना है। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा आपका वर्चुअल और ये सीधा है, इसको बोलेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर साइज के बारे में बात की जाए तो ये क्या है, इसका साइज जो है ऑब्जेक्ट से छोटा है, तो ये हो जाएगा स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये था आपका दो नियम हो गया, और इसमें बस यही दो बनेगा। इसका मतलब है हम लोग को जो कॉन्वेक्स मिरर है यहाँ पे जो इमेज मिलने वाला है सब आपका क्या मिलेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट।
इस केस में अभी हम लोग दो केस देख लिए हैं, इन्फिनिटी और बियॉन्ड सी, दोनों में क्या मिला है, रियल इमेज मिला है, और अब तक जो है वो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है आपका इमेज। चलिए तो हम इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो हम लोग अगला केस देख रहे हैं यहाँ पर, तो वो क्या है, ऑब्जेक्ट एट सी। ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ पे है, सी पे है, ठीक है। तो हम ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस कर दिए, सी पे कर दिए। और इस केस में देखिएगा तो मेरे पास दो ही तरह का हम ऑप्शन ही बचता है, एक इन्फिनिटी पे लो, एक पास में लो। दोनों केस में हमको क्या मिल गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब हम लोग देखते हैं कॉनकेव मिरर का तीसरा केस, जो कि बोल रहा है ऑब्जेक्ट एट सी। अगर ऑब्जेक्ट सी पर है तो हम कैसे यहाँ पर से इसका रूल को फॉलो करेंगे। अगर देखिएगा, अगर ये सी पर है तो जब कोई ऑब्जेक्ट सी पर रहेगा तो क्या उसका रे जो है सी से क्रॉस करेगा, नहीं। डैट मीन्स इसका इंसिडेंस रे जो है सी से क्रॉस नहीं करेगा। तो यहाँ पर से एक रूल मेरा क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर से कि जो हम लेते हैं, पहला रूल लेते हैं कि वो क्या किया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया, और वो कहाँ से क्रॉस करेगा, एफ से क्रॉस करेगा। मतलब आपका रिफ्लेक्टेड रे ये हो गया, इंसिडेंस रे ये हो गया। और दूसरा जो हम लेंगे तो वो ले लेते हैं कि आपका, मान लीजिए अगर वो पोल से क्रॉस करने वाला भी ले सकते हैं या तो फोकस से क्रॉस करने वाला, दैट मीन्स इसका कन्वर्स। तो हम दूसरा ले लेते हैं आपका कि वो कहाँ से क्रॉस किया है, एफ से क्रॉस किया, एफ से क्रॉस करेगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या जाएगा, पैरेलल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मिल गया, ठीक है। और हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ किए तो ये आपका इमेज कहाँ मिल गया, एट सी। अगर पोजीशन के बारे में बात की जाए तो इमेज कहाँ मिला, एट सी मिला, ठीक है। इमेज कहाँ बन गया, सी पर बन गया। और इसके अगर हम लोग बात कर लेते हैं नेचर के बारे में, इसका नेचर क्या होगा, ये इमेज जो है मेरे ऑब्जेक्ट के तरफ ही मिला और उल्टा मिला, डैट मीन्स ये इन्वर्टेड है, साथ में क्या होगा, रियल। तो नेचर इसका हम बोल सकते हैं रियल एंड इन्वर्टेड। और पोजीशन के बारे में अगर बात की जाए तो हो जाएगा एट सी। इमेज कहाँ मिल गया, सी पे मिल गया। अगर साइज के बारे में यहाँ पे बात करें तो हो जाएगा सेम साइज, मतलब ऑब्जेक्ट जितना बड़ा है उतना बड़ा आपका यहाँ पर इमेज मिलेगा। अब जो उसके बाद का जो आपका है पॉइंट है वो ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट को हम कहाँ प्लेस करेंगे, सी और एफ के बीच में हम यहाँ पर प्लेस कर दिए, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा जिसका रिफ्लेक्टेड जो इंसिडेंस रे है वो सी से क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि कोई रे ऑफ लाइट जो है वो आपका पोल से क्रॉस किया, वहीं पर से रिफ्लेक्शन होगा, मतलब इंसिडेंस रे तो ये हो गया और ये क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया। और दूसरा रूल हम लोग ले लेते हैं कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया और कहाँ मिलेगा, फोकस से क्रॉस करेगा। एक्चुअली यहाँ पे अभी मीट नहीं कर रहा है, आगे इसको हम और एक्सटेंड करेंगे। तो ये कहाँ मिल गया, यहाँ पे मिल गया, जहाँ पे दो रिफ्लेक्टेड रे मिला वहाँ पे डॉट देकर और प्रिंसिपल एक्सिस से हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिए। तो हम देखें क्या, ऑब्जेक्ट को प्लेस किए थे सी एंड एफ के बीच में और इमेज कहाँ मिल गया, बियॉन्ड सी। और ऑब्जेक्ट का साइज देखिएगा इमेज से छोटा है, तब यहाँ बोल सकते हैं इमेज के साइज के बारे में बिगर देन ऑब्जेक्ट। अगर नेचर के बारे में बात की जाए तो ये फिर से आपको इन्वर्टेड मिला है और ऑब्जेक्ट के तरफ ही मिला, तो यहाँ से बोल देंगे रियल एंड इन्वर्टेड। अगर हम साइज के बारे में यहाँ पे बात करें तो हम बोल सकते हैं इनलार्ज, मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ा है, ये जो इमेज मिला यहाँ पर ऑब्जेक्ट से बड़ा मिला। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए थे इन्फिनिटी से, सी तक पहुँच गए, सी एंड एफ पे आ गया। अब दो केस और बचा है,
जहां पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे एफ पे और एक बार करेंगे एफ एंड पी के बीच में, ठीक है। दोनों केस को अभी हम लोग तुरंत देख लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट आपका प्लेस हो गया एफ पे, उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इमेज को ड्रॉ करते हैं। ये आपका हो गया कॉनकेव मिरर और ये हो गया इसका प्रिंसिपल फोकस और ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और इस वाले केस में हम लोग करते हैं, पहले इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ प्लेस कर दिए हैं, फोकस पे प्लेस करते हैं। ऑब्जेक्ट अपना कहाँ आ गया, फोकस पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर से देखते हैं कि दो हम लोग को दो रूल्स यूज़ करना है, वहाँ से हम लोग को इमेज मिलेगा। जहाँ पे दो रिफ्लेक्टेड रे आपस में मैच कर जाएगा तो वो आपका वहाँ पे इमेज बन जाएगा। तो हम पहला ले लेते हैं, यहाँ पर से कोई रे ऑफ लाइट जो है पैरेलल गया और वो कहाँ से क्रॉस करेगा, फोकस से क्रॉस करेगा, ठीक है। इंसिडेंस रे और ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे। और दूसरा जो हम लोग रूल्स फॉलो करवाते हैं वो हो जाता है, अगर वो आपका मान लीजिए पोल से क्रॉस करता है तो वो पोल से ही ऐसे होते हुए निकलेगा, और ये जो है लगभग कहीं बहुत दूर, इसको हम बोल देंगे क्या, इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो हम लोग को इमेज कहाँ मिल रहा है, इमेज जो मिलेगा वो कहीं इन्फिनिटी पे जाके मिलेगा, तो हम बोल सकते हैं एट इन्फिनिटी। पोजीशन के बारे में क्या बोल दिए, एट इन्फिनिटी। अगर वो, अगर हम देखते हैं नेचर के बारे में तो वो क्या है, आपका सेम तरफ ही मिल रहा है जहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लेस किए हैं, लेकिन ये बहुत दूर मिल रहा है, ठीक है। तो हम नेचर के बारे में बोल देंगे यहाँ से, ये हो गया आपका रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज के बारे में बात की जाए तो ऑब्जेक्ट से काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ पे बोलेंगे इनलार्ज। क्या बोल देंगे कि ये आपका जो ऑब्जेक्ट से काफ़ी बड़ा बनने वाला है। अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो पहला रूल हम लोग फॉलो किए थे तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे लिए थे, तो हम लोग को इमेज कहाँ मिला था, एफ पे मिला था। और जस्ट इसका उल्टा है, हम लोग ऑब्जेक्ट कहाँ पे लिए, एफ पे लिए, तो इमेज कहाँ मिल गया, इन्फिनिटी पे। अब हम लोग इमेज जो है कॉनकेव मिरर से बनेगा उसका लास्ट पॉइंट को देखते हैं। ये इसका लास्ट पॉइंट है जहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, पी एंड एफ के बीच में, ठीक है, पी एंड एफ के बीच में, ठीक है। तो हम लोग इसका देखते हैं, इसका क्या नेचर होता है। यहाँ पर हम लोग ले लिए कॉनकेव मिरर और ये आपका था प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया प्रिंसिपल फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये था आपका पोल। अब ऑब्जेक्ट हम लोग कहाँ प्लेस करेंगे, पी एंड एफ के बीच में हम यहाँ पे प्लेस कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पर से देखिएगा, तो दो रूल का फॉलो करते हुए हम लोग इसका इमेज बनाने का कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि पैरेलल गया तो वो कहाँ से क्रॉस करेगा, फोकस से क्रॉस करेगा, ये आपका हो गया रिफ्लेक्टेड रे, ये हो गया इंसिडेंस रे। अब दूसरा जो नियम है बचा हम लोग के पास, अगर वो पोल से क्रॉस करता है तो, अगर वो पोल से क्रॉस करेगा तो वो आपका ऐसे रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंसिडेंस रे और ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर का जो दो रिफ्लेक्टेड रे का जो डिस्टेंस है वो कम है, लेकिन जैसे ये आगे बढ़ा तो इसका डिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया। इसका मतलब है ये दोनों जो रिफ्लेक्टेड रे है आगे जाके कहीं भी मीट नहीं करेगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इस केस में हम लोग को पीछे की ओर अपीयर करना पड़ेगा, जैसा हम लोग कॉन्वेक्स मिरर में करते थे। तो यहाँ पर से देख लिए क्या कि जो रिफ्लेक्टेड रे था वो कुछ इस टाइप का पीछे की ओर गया, और यहाँ पर से देखिएगा तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कुछ इस टाइप से पीछे जाएगा। और सपोज कर लिए क्या चीज़, सपोज कर लिए पीछे की ओर जाके ये यहाँ पे मीट किया, ठीक है, यहाँ पर मीट किया। जहाँ पे मीट करेगा वहाँ पर से परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस से हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये मेरा क्या मिल गया, इमेज मिल गया, ठीक है, ये मेरा क्या मिल गया, इमेज मिल गया। अब इमेज के नेचर के बारे में बात की जाए तो ये मिरर के पीछे बन गया, ठीक है,
तो ये आपका हो जाएगा क्या, वर्चुअल, क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर हम लोग साइज के बारे में बात करें तो हो जाएगा, यहां पर से साइज देखेंगे तो इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से क्या है, बड़ा। बिगर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो हम लोग को एक केस यहां पर से मिलता है जो क्या दिखा रहा है कि यहां पर आपको वर्चुअल इमेज मिल रहा है। बाकी जो हम लोग पांच केस देखे थे उसमें सब में आपको रियल मिला था, ठीक है, और इस केस में क्या हो गया, वर्चुअल मिल गया। एक बार फिर से इसको हम लोग देख लेते हैं। अगर ऑब्जेक्ट जो था आपका इन्फिनिटी पे था तो इमेज कहाँ बना था, फोकस पे बना था, ठीक है। दूसरा बार जो बियॉन्ड ऑफ सी था तो ऑब्जेक्ट कहाँ बना, ऑब्जेक्ट हम रखे थे कहाँ, बियॉन्ड ऑफ सी, तो इमेज कहाँ बना, सी एंड एफ के बीच में। मतलब ऑब्जेक्ट को हम पास ला रहे हैं तो इमेज क्या हो रहा था, दूर जा रहा था। अगर हम लोग सी पे लाते हैं तो इमेज कहाँ बना, सी पे बना, ठीक है। ऑब्जेक्ट और पास आया, इमेज दोनों के बीच से शिफ्ट होकर सी पे चला गया। और जब हम सी एंड एफ के बीच में लाए थे तो इमेज सी का बियॉन्ड चला गया और वहाँ पे साइज भी बड़ा हो गया था। जब एफ पे लाए तो वो इन्फिनिटी पे मिला था, और अपना जो इमेज फॉर्मेशन जो हम लोग किए थे कॉनकेव में फर्स्ट वाला, सेम उसका उल्टा हो गया। और एफ एंड पी के बीच में लाए तो ये क्या हो गया, पीछे की ओर इमेज मिल रहा है। मतलब यहाँ पे अपीयर करवा दिए तो ये पीछे की ओर दो रिफ्लेक्टेड रे मीट कर गया। तो यहाँ से हम बोल दिए क्या कि ये था वर्चुअल और डायरेक्ट का केस, और यहाँ पर जो साइज ऑफ इमेज था बिगर देन ऑब्जेक्ट। तो ये था मेरा आज का टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, और कुछ प्रॉब्लम अगर आपको वीडियो में हुआ हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं ऐसा वीडियो जब भी अपलोड करूँ साइंस से रिलेटेड तो आप लोग के पास पहुंच जाए, ठीक है। धन्यवाद।